नमस्कार मित्रों, आप सबका YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती पूरी होने वाली है और जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप और मेहनत करें और तरक्की करें। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और भी वैकेंसी निकालने वाली ऐसी खबर है। तो सबसे पहले हम लोग सुपर टेट जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें 14 सब्जेक्ट हैं, उसमें एक सब्जेक्ट आपका सूचना तकनीकी है कंप्यूटर का। तो हम लोग उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उसके उत्तर को देखेंगे। अभी मैं आपको जितनी भी ये लगातार आपको रोज़ ये वीडियो मिलेंगे और आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे इसके प्रश्न और उत्तर दोनों आपको मिलेंगे। इसके बाद जब आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, तब हम आपको इसका लाइव टेस्ट भी कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो बहुत बेसिक, जो बहुत सामान्य क्वेश्चन से लेके हम लोग कठिन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो भी आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अभी दो बार शिक्षक भर्ती परीक्षा आपकी हो गई है, 18 में और 19 में आगामी परीक्षा होने की भी संभावना है। इसके अलावा यह वीडियो जो भी है कंप्यूटर के क्वेश्चन है आपके CCC UPSSC जो आपका UPSSC आयोग और ARO कंप्यूटर ऑपरेटर अन्य प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, वॉन न्यूमैन, J.S. किल्बी, चार्ल्स बैबेज और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो मित्रों आप सबको पता होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने आपसे कहा है कि पहला सेट है तो बहुत आसानी से हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। आप अगर किसी को भी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप लगातार केवल हमारी ये वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत छोटे स्तर से इस वीडियो को बनाया है। चलिए सबसे पहले कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम बहुत सारे लोग जानते होंगे, चार्ल्स बैबेज है। सन 1820 में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, उसके बाद चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा, जैसे कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब भी आपका आंसर क्या होगा, चार्ल्स बैबेज ही होगा। आंसर जो ऑप्शन आपका सी है, चार्ल्स बैबेज ही आपका आंसर होगा। उसके बाद कंप्यूटर जो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया, तब भी चार्ल्स बैबेज ये आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम आपके पास ऑप्शन है, आर्ट्रिस, इनियक, टैंडी, नोवेला। आपके पास चार ऑप्शन है, आर्ट्रिस, इनियक, टैंडी और नोवेला। तो आप सबको जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो जान ले। इनियक सन 1942 में प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था वो इनियक था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, ये पूछ रहा है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब। देखिए कंप्यूटर की क्रांति बहुत पहले से चल रही है, खोज वर्क इससे बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा आधुनिक कंप्यूटर की खोज। तो सन 1949, 1951, 1947 और 1946, तो आपका ऑप्शन 1946 होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 1946 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, आपके पास चार ऑप्शन, 1977, सन 2000, 1955 और 1960। तो डी ऑप्शन आपका जो होगा 1960, डी ऑप्शन जो होगा आपका 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई, विश्व में महान क्रांति आई। ठीक है, अब जैसे कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, पांचवा क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला और परिगणक। तो याद रखिएगा कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक है। ठीक है मित्रों, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक है।
तो सबसे पहले जाने, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है गणना करना। याद रखिएगा, ये जो पांचवा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कई और भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो जैसे आपका हो गया, कंप्यूटर का हिंदी क्या नाम है? संगणक। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा, किस भाषा के? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ ही होता है गणना करना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, UPSSC में और अन्य प्रकार की जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे राजस्थान के हों, चाहे ROAR, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो सही आंसर है आपका 2 दिसंबर, जो आपका क्वेश्चन आंसर है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप सबको इसकी जानकारी होगी, आप सब इस आंसर को जानते होंगे, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, मैं आपको अभी अभी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सेट वन है आपका, प्रथम सेट है, तो हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं आपके क्वेश्चन को। बहुत यहाँ मेरा उद्देश्य क्या है कि जिन जो लोग जो छात्र जो भी अभ्यर्थी पढ़े हुए हैं, जिनको इस चीज़ की जानकारी है, उनको तो ठीक है, उनका तो पेपर निकल जाएगा। लेकिन जो अभी बहुत नए हैं, पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या उनकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स का पूर्ण रूप होगा, तो आंसर ए सही हो जाएगा, सातवें का आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं? तो गूगल, याहू, बायडू, वर्लफॉर्म, अल्फा। तो जैसा कि आप जानते हैं, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, दुनिया के सबसे बड़ा सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बायडू भी, और वर्लफॉर्म अल्फा, ये आपका कोई भी सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही सही हो जाएगा। सर्च इंजन क्या होता है? जिस पे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, W3 के माध्यम से, वेब के माध्यम से, इंटरनेट की सहायता से हम जो चीज़ सर्च करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन। चलिए नौवें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन इनपुट इकाई है? इनमें से कौन इनपुट इकाई है? तो चार ऑप्शन आपके पास है, पहला माउस, दूसरा कीबोर्ड, स्कैनर, और इनमें से सभी। तो आपको पता है कि इनपुट इकाई या इनपुट इकाई, इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस है ऐसे उपकरण जिनका उपयोग हम इनपुट कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं, या कंप्यूटर को अपनी आवश्यकता बताने के लिए करते हैं, उन सारी डिवाइस को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो भी हैं, ये सब इनपुट इकाई है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? देखिए, मेमोरी आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में, तो मेमोरी में आपने देखा होगा कि आपके पास बाइट, 1 किलोबाइट जो है आपका 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। तो आपने जब भी मेमोरी पढ़ा होगा, मेमोरी यूनिट पढ़ा होगा, तो वहाँ पे देखा होगा कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी बिट होती है, जो 0 और 1 के रूप में होती है। फिर आपका क्या होता है? बाइट होता है, 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है। फिर आपका किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, ऐसे लगातार आपके बाइट मेमोरी यूनिट लगातार बढ़ती रहती है। तो 1024 बाइट, कभी कभी आपके ऑप्शन में लगभग 1000 भी देता है। अगर पूर्ण 1024 बाइट लिखा है, तो ऑप्शन 1024 बाइट ही हमेशा होगा। और अगर कभी कभी आपके और भी एग्जाम में और क्वेश्चन में लगभग 1000 देता है, तो वो भी आप मान लीजिएगा, ठीक है? लेकिन सही आंसर हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगा? 1024 बाइट होगा। इसी इसी में आपका 1 मेगाबाइट, MB कितने बाइट के बराबर होता है? ध्यान रखिएगा, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो यहाँ पे क्या है, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 टेराबाइट। तो 1024 KB, आपको पता है पहले KB, फिर अभी भी मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था KB के बाद MB, तो 1024 KB ये सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर के लिए।
नेक्स्ट आपका एक गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा 1024 किलोबाइट, 1024 MB, 1024 GB, 1024 TB, ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो सही आंसर जो इसका होगा ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट 1 GB के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं तो किससे बने होते, किस धातु उपधातु से बने होते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। सही आंसर होगा सिलिकॉन से। किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से बने होते हैं। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे कहते हैं हम, वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपका इंटरनेट में जो आपसे, इंटरनेट के जब भी आप कोई चीज़ टाइप करते हैं तो www. टाइप करते हैं तो उसके पहले आप ध्यान से देखेंगे HTTP लगा रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहता है। तो इंटरनेट के पते में HTTP का पूर्ण रूप पूछ ले या सही विस्तृत रूप पूछ ले, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चौथा आंसर जो आपका होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही आपका सही आंसर होगा। तो 14 का डी, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में, 15वां क्वेश्चन देखिएगा, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा या भाषा प्रायः कौन सी होती है? याद रखिएगा मित्रों, पूछ रहा है बच्चों द्वारा, जो बच्चे होते हैं जो नए सीखने वाले हैं उनके द्वारा भाषा प्रायः कौन सी प्रयुक्त होती है? तो बेसिक, जावा, पायलट, लोगो। तो लोगो आपका सही हो जाएगा, लोग आपका ये बच्चों द्वारा प्रयुक्त सबसे भाषा होती है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन नंबर, एक सुहाए निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? याद रखिएगा बहुत छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक सुहाए निजी कंप्यूटर, कैटेगराइजेशन कर दिया निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखकर रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो पहला देखिए ऑप्शन क्या है, मेनफ्रेम कंप्यूटर, दूसरा नोटबुक कंप्यूटर, तीसरा वर्क स्टेशन, चौथा PDA। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, नोटबुक कंप्यूटर, जो हम लोग प्रायः अपने गोद में लेके प्रयुक्त करते हैं तो वो नोटबुक कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? कोडांतरक आपने कंपाइलर इंटरप्रेटर इंग्लिश में सुना होगा, तो पूछ रहा है कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो पहला ऑप्शन मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक। कोडांतरण ट्रांसलेटर है ना आपका, कोडांतरण से मशीन तक। तो कोडांतरण से मशीन तक ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। 17 का ऑप्शन डी, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 18वां, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन ए, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिए मल्टी एक से अधिक प्रोसेसर, तो ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होता है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से आपने मेमोरी पढ़ा होगा, तो बेसिकली मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन उनके अलावा भी आपके पास कई सारे और भी, कैश मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, और भी मेमोरी होती हैं, तो वो होता है। तो इन चारों ऑप्शन में बबल मेमोरी, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज, कोर मेमोरीज। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, सीडी रोम। इन सब में क्या हो जाएगा? सीडी रोम, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी सीडी रोम है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? देखिए आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या आर्किटेक्चर पढ़ा होगा कंप्यूटर का, तो उसमें आपने पढ़ा होगा सीपीयू। तो सीपीयू में आपका कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट क्या होता है? तो ऑप्शन आपके पास है माइक्रो प्रोसेसर, बी सी आउटपुट, डी अर्थमेटिक लॉजिक। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक, ALU आपका होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सीपीयू के ALU में होते हैं, सीपीयू के ALU में होते हैं, तो सीपीयू के ALU में क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होते हैं? रैम स्पेस, बाइट स्पेस, रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रजिस्टर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा रजिस्टर 21 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए मित्रों आज का ये पहला सेट था,
आपको लगातार इस ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, और आज मैंने बहुत बेसिक बनाया था ये क्वेश्चन, और आपको आंसर भी मैंने यहाँ मार्क किया था, मार्क कर रखा है इसलिए कि अभी जो नए बच्चे हैं उनको सुविधा हो। जब मैं आपका लाइव टेस्ट करवाऊँगा तब आपको ऑप्शन यहाँ पे मार्क नहीं रहेगा, तो आपको देखने में आसानी ताकि रहेगी और वहाँ पे आप पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। और भी मैं धीरे धीरे आपको, अभी आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपकी क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा, लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगा, और फिर आपके लाइव टेस्ट भी होंगे, ताकि आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई भी क्वेश्चन आप चाहें तो आपसे आसानी से आप कर पाए। तो आप अच्छे से देखिएगा, आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपका आगे इस क्वेश्चन की सीरीज़ को लगातार बढ़ाते रहें, और आपको अपने किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ आपके लिए ये बहुत सही साबित हो। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।